स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर n गिवन हो, इफ n बिलोंग्स टू q, n जो है एक रैशनल नंबर हो सकता है, देन लिमिट्स गिवन हो x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में। अब यहाँ लेफ्ट साइड में x है और राइट साइड में a दिख रहा है, तो यहाँ फॉर्म बन रहा है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का। इस फॉर्म पे अगर क्वेश्चन गिवन हो तो यहाँ पे ये लिमिट्स बनता है n a टू द पावर n माइनस वन। तो ये जो फिफ्थ एक्सरसाइज है लिमिट्स का फ्रॉम आर डी शर्मा फॉर क्लास 11, ये इसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे x है और राइट साइड में ये है, तो यहाँ पे भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्म बन रहा है। तो ये बनता है n a टू द पावर n माइनस वन। n यहाँ पे 2 अपॉन 7 है, तो 2 अपॉन 7 a टू द पावर n माइनस वन, तो 2 अपॉन 7 माइनस वन बन जाएगा इस पूरे का वैल्यू। तो ये आ गया 2 अपॉन 7 a टू द पावर 2 माइनस 7, तो माइनस 5 अपॉन 7, तो ये आंसर बनेगा। क्लियर? तो सिंपली आपको ये फॉर्म दिमाग में रखना है और लिमिट्स जो है इजिली कैलकुलेट होने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को भी करते हैं। अब यहाँ x टेंस टू a है, तो यहाँ पे x प्लस टू और a प्लस टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी x प्लस टू और a प्लस टू लेके आना है। तो समझिए अगर x की वैल्यू a है तो x प्लस टू अगर हम लिखना चाहे तो ये हम क्या लिखेंगे, तो x में हमने 2 ऐड कर दिया है, तो x की वैल्यू a है तो a में भी आप 2 ऐड कर दीजिए। तो अगर x बिलोंग्स टू a यानी कि x टेंस टू a, तो यहाँ पे x प्लस टू टेंस टू a प्लस टू बनेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस टू टू द पावर 5 अपॉन 2 माइनस a प्लस टू टू द पावर 5 अपॉन 2, और यहाँ पे x माइनस a दिया हुआ है, इसको आप लिख दीजिए x प्लस टू माइनस a प्लस टू। तो देखिए 2 माइनस 2 कैंसिल, नीचे आ गया x माइनस a, तो x माइनस a को हम ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये फॉर्म बन रहा है x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्म। तो यहाँ पे n के प्लेस पे 5 अपॉन 2, a के प्लेस पे यहाँ a प्लस टू है, तो a प्लस टू टू द पावर n माइनस वन, तो 5 अपॉन 2 माइनस वन, ये बन गया 5 अपॉन 2 a प्लस टू टू द पावर 5 माइनस टू 3 अपॉन 2, ये आंसर बनेगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a x प्लस टू की पावर 3 अपॉन 2 माइनस a प्लस टू की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन x माइनस a दिया हुआ है। अब यहाँ x प्लस टू और a प्लस टू है, तो देखिए x की वैल्यू a दी हुई है, तो x प्लस टू की वैल्यू a प्लस टू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, लिमिट x के प्लेस पे आ जाएगा x प्लस टू, तो a प्लस टू आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे ये लिख दीजिए x प्लस टू की पावर 3 अपॉन 2 माइनस a प्लस टू की पावर 3 अपॉन 2, और यहाँ नीचे दिया हुआ है x माइनस a, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस टू माइनस ऑफ a प्लस टू, तो 2 माइनस 2 कैंसिल, x माइनस a आ गया, तो x माइनस a के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दीजिए। तो अब ये फॉर्म बन रहा है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का। तो सिंपली फॉर्म यूज कीजिए, तो n a के प्लेस पे a प्लस टू है, टू द पावर n माइनस वन, तो 3 अपॉन 2 माइनस वन, ये बन गया 3 अपॉन 2 a प्लस टू की पावर 3 माइनस टू 1 अपॉन 2, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 वन प्लस एक्स की पावर 6 माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है, तो x माइनस a के प्लेस पे है वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 वन प्लस एक्स की पावर 6, इसे लिख दीजिए वन प्लस एक्स का स्क्वायर का क्यूब, और देन वन वन को हम लिख सकते हैं वन का क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन। नाउ यहाँ पे x के प्लेस पे वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 1, ये क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x को रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर से, तो ये 0 रिप्लेस हो जाएगा 1 से, ये क्लियर? और यहाँ पे ये बन गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्म बन रहा है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्म, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो n के प्लेस पे 3
ए, ए के प्लेस पे वन टू दी पावर एन माइनस वन, तो ये बन गया थ्री इंटू वन की पावर टू, तो थ्री ये आंसर बन जाएगा, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर फाइव अपॉन सेवन माइनस ए की पावर फाइव अपॉन सेवन अपॉन एक्स की पावर टू अपॉन सेवन माइनस ए की पावर टू अपॉन सेवन दिया है, तो एक्स माइनस ए के प्लेस पे एक्स की पावर टू अपॉन सेवन माइनस ए की पावर टू अपॉन सेवन, तो यहाँ पे एक्स की पावर फाइव अपॉन सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ एक्स की पावर टू अपॉन सेवन की पावर लिखना है, तो टू अपॉन सेवन में हम क्या इंटू कर दे, तो मान लेते हैं पी कि ये फाइव अपॉन सेवन आ जाए, तो ये सेवन और ये सेवन कैंसिल, पी की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन टू, तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर फाइव अपॉन सेवन को लिखा जा सकता है एक्स की पावर टू अपॉन सेवन टू दी पावर फाइव अपॉन टू, देखिए टू टू कैंसिल फाइव अपॉन सेवन आ गया। सेम यहाँ पे इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं ए की पावर टू अपॉन सेवन टू दी पावर फाइव अपॉन टू अपॉन एक्स की पावर टू अपॉन सेवन माइनस ए की पावर टू अपॉन सेवन, ये क्लियर। नाउ अब यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स की पावर टू अपॉन सेवन है, तो एक्स की वैल्यू दी हुई है ए, तो एक्स की पावर टू अपॉन सेवन ये क्या बन जाएगा, ए की पावर टू अपॉन सेवन, ये क्लियर। और ये पार्ट लिख दीजिए, तो एक्स की पावर टू अपॉन सेवन टू दी पावर फाइव अपॉन टू माइनस ए की पावर टू अपॉन सेवन टू दी पावर फाइव अपॉन टू अपॉन एक्स की पावर टू अपॉन सेवन माइनस ए की पावर टू अपॉन सेवन। अब ये फॉर्म बन गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्म, ये बन जाएगा एन ए, ए के प्लेस पे ए की पावर टू अपॉन सेवन टू दी पावर एन माइनस वन, तो फाइव अपॉन टू माइनस वन, तो ये आ गया फाइव अपॉन टू ए की पावर टू अपॉन सेवन, और यहाँ आ जाएगा फाइव माइनस टू थ्री अपॉन टू, ये टू और ये टू कैंसिल, तो आंसर हम लिख सकते हैं फाइव अपॉन टू ए की पावर थ्री अपॉन सेवन, ये आंसर बनेगा, क्लियर। नाउ सेम यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस हाफ है, एट एक्स क्यू प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस हाफ है, एट एक्स क्यू इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स का क्यू प्लस वन, इसे हम लिख सकते हैं वन का क्यू अपॉन टू एक्स प्लस वन, बट यहाँ माइनस होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एक्स के प्लेस पे टू एक्स है, तो एक्स दिया हुआ है माइनस हाफ, तो टू एक्स क्या हो जाएगा, टू का इंटू कर दीजिए माइनस वन, ये क्लियर। तो अब इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं टू एक्स का क्यूब और प्लस वन का जो क्यूब है यानी कि वन, इसको अगर हम लिख दें माइनस ऑफ माइनस वन का क्यूब, लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन बनेगा, और सेम यहाँ पे टू एक्स और इस प्लस वन की जगह माइनस ऑफ माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म बन गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्म, फॉर्म यूज कर लीजिए, तो एन ए, ए के प्लेस पे माइनस वन है टू दी पावर एन माइनस वन, तो ये आ गया थ्री माइनस वन की पावर टू प्लस वन, तो थ्री ये आंसर बनेगा, क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू ट्वेंटी सेवन, एक्स की पावर वन अपॉन थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर वन अपॉन थ्री माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कीजिए, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर एक्स की पावर टू अपॉन थ्री, देन माइनस बी स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन, ये क्लियर। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू ट्वेंटी सेवन, अब यहाँ पे एक्स की पावर टू अपॉन थ्री और इस नाइन को क्या हम लिख सकते हैं ट्वेंटी सेवन की पावर टू अपॉन थ्री, तो देखिए ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो इस नाइन के प्लेस पे लिख दीजिए ट्वेंटी सेवन की पावर टू अपॉन थ्री अपॉन एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन, तो ये फॉर्म बन गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्म, सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो एन ए टू दी पावर एन माइनस वन, ये बन गया टू अपॉन थ्री ट्वेंटी सेवन की पावर टू माइनस थ्री माइनस वन अपॉन थ्री बन जाएगा, ये टू अपॉन थ्री, इसको नीचे ले आइए तो ट्वेंटी सेवन की पावर वन अपॉन थ्री, ये आ गया टू अपॉन थ्री, ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट थ्री, तो ये बन गया टू अपॉन नाइन, ये आंसर बन जाएगा। नाउ यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू फोर, एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन दिया हुआ है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू फोर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब को चेंज कर दीजिए एक्स स्क्वायर टू द पावर, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री अपॉन टू
टू और टू कैंसिल, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अब यहाँ 16 है तो 64 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 16 की पावर 3/2, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का क्यूब 64, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 64 को रिप्लेस कर दीजिए 16 की पावर 3/2 से अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स टेंस टू 4 है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 16। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्म बन गया, तो ये बन गया एन ए टू द पावर एन माइनस 1, ये आ गया 3/2 16 की पावर 3-2 1/2, तो 16 की पावर 1/2 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये आ गया 3×4/2 12/2 6, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन है इफ लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 की पावर एन अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 108 दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो इसको सॉल्व करने पे ये बनेगा एन ए के प्लेस पे 3 है टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 108। अब इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू 3 की पावर एन माइनस 1, और जब इसका फैक्टर आप निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4×27, तो ये बन गया एन इंटू 3 की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 4×27, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो यहाँ से भी मिल गया एन इक्वल टू 4, और जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 3, तो एन इक्वल टू 3+1 4, तो ये मान लीजिए 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से एन इक्वल टू 4, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ टेंथ क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 1 एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब यहाँ ए के प्लेस पे माइनस 1 है तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं एक्स क्यू, देन यहाँ प्लस 1 इसको लिख दीजिए माइनस ऑफ माइनस 1 का क्यूब, और देन एक्स प्लस 1 तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये बन जाएगा एन देन ए टू द पावर एन माइनस 1, तो ये बन गया 3 माइनस 1 की पावर 2 1 3×1 3, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। 11th क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 2/3 अपॉन एक्स की पावर 3/4 माइनस ए की पावर 3/4, तो देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 3/4 है और यहाँ एक्स की पावर 2/3 है, तो 3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे, तो मान लेते हैं पी, तो ये आना चाहिए 2/3, तो पी यहाँ से आ जाएगा 4×2 8/9, तो यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर 2/3 की जगह एक्स की पावर 3/4 टू दी पावर 8/9 लिख दें, तो देखिए ये 3 टाइम्स में कैंसिल और ये 2 टाइम्स में कैंसिल 2/3 आ जाएगा, ये क्लियर। नाउ यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं ए की पावर 3/4 टू दी पावर 8/9 में अपॉन एक्स की पावर 3/4 माइनस ए की पावर 3/4, ये क्लियर। नाउ यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स की पावर 3/4 है तो एक्स की पावर 3/4 ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 3/4, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये बन गया एन ए टू द पावर एन माइनस 1, तो ये बन जाएगा 8/9 ए की पावर 3/4, और यहां पे ये आ गया 8-9 -1/9, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो ये आ गया 8/9 ए टू द पावर माइनस 1/12, ये आंसर बनेगा। क्लियर। नाउ यहाँ पे x की पावर 10 है, यहाँ पे x की पावर 15 है, तो 10 में हम क्या इंटू कर ले, तो मान लेते हैं p क्या आना चाहिए 15, तो p क्या बन जाएगा 15/10 यानी कि 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 इसके प्लेस पे लिख दीजिए x की पावर 10 पावर 3/2, तो देखिए 2 5 10, तो 5×3 x की पावर 15 बन गया, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस 1 है, ये क्लियर। तो यहाँ पे
एक्स की पावर 10 है एक्स की जगह, तो एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की पावर 10 ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर 10 मीन्स 1 ही रहेगा। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा एन, एन के प्लेस पे 3 अपॉन 2, ए ए के प्लेस पे 1 टू द पावर एन माइनस 1, तो 3 अपॉन 2 माइनस 1, ये बन गया 3 अपॉन 2, 1 की पावर 3 माइनस 2 1 अपॉन 2, तो यहाँ से ये बन जाएगा 3 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 15, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर 9 माइनस ए की पावर 9 अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 5 रखिए तो 4 प्लस 5 9 ही बनेगा, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए के सारे पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, तो इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो एन के प्लेस पे 9 है, देन ए टू द पावर एन माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, ये 9 और ये 9 कैंसिल, ए की पावर 8 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ए यहां से बन जाएगा 1 की पावर 1 अपॉन 8, तो ए हम यहां से लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। नाउ 14 क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो यहां पे इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो एन ए टू द पावर एन माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 405, 5 से 405 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 8 या 40 81 आ गया यहाँ। तो ए की पावर 4 इक्वल्स टू 81, तो ए यहाँ से 81 की पावर 1 अपॉन 4 होगा। तो देखिए माइनस 3 की पावर 4 ये भी 81 होता है, और 3 की पावर 4 ये भी 81 होता है, तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3, तो ये आंसर बन जाएगा। नाउ अब इसी लॉजिक का यूज करके लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आंसर है प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे जो फिफ्थ एक्सरसाइज है लिमिट्स चैप्टर का, ये कंप्लीट हुआ, एंड आई होप कि अच्छे से क्लियर हो। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म को दिमाग में रखना है, और जो भी क्वेश्चन है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है सिंपली सॉल्व करना है, और अगर नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। स्टिल कोई डिफिकल्टीज गई हो तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो सिक्स्थ एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करेंगे।